नमस्कार, बीसी न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई नजर डालते हैं खबरों की ओर। बीते 24 घंटे में देश में 14,313 नए मामले आए सामने, 181 मरीजों की हुई मौत। बीते 24 घंटे में देश में 11,81,000 सैंपल जांचे गए, अब तक 58 करोड़ टेस्ट हुए। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, 60,000 के ऊपर खुला सेंसेक्स। विजय राजे सिंधिया की जयंती पर पीएम मोदी का ट्वीट, बोले वो साहसी और दयालु थी। शेयर बैंक का मिला मिला जुला असर, कांग्रेस राष्ट्रवादी व सेना ने निकाली रैलियां। आईटी रेड से ध्यान हटाने मविया का बंद, भाजपा ने ठाकरे सरकार पर लगाए आरोप। श्रद्धालुओं को ट्रक ने उड़ाया, कुंडाली के सातनौरी परिसर में हुई घटना, एक की हुई मौत। गांधीबाग में अतिक्रमणकारियों में मची खलबली, नंगा पुतला चौक पर अवैध कब्जों का सफाया। रिश्वत लेते धरा गया लिपिक, एंटी करप्शन ब्यूरो ने काटोल में की कार्यवाही। विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन, हर दिन 150 ऑटो की पिसिंग की मांग। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।